वेलकम बैक फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। जैसा कि आपको पता है कि केवीएस में वर्तमान में 8000 से अधिक पदों के लिए एक वैकेंसी आई हुई है। इसके पहले एक वीडियो मैंने अपलोड किया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि जो कुछ भी था नोटिफिकेशन में उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी थी, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें पहले वीडियो में हमने डिस्कस नहीं करी थी, या यूँ कहें कि आपके बहुत सारे ऐसे डाउट्स थे जो कि क्लियर नहीं हो पाए थे। तो इसी के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं और यहां पर हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, अलग अलग पदों के लिए क्या एलिजिबिलिटी है पूरा देखेंगे, फीस के बारे में जानेंगे, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है वो देखेंगे, एज लिमिट के बारे में बात करेंगे, रिजर्वेशन के बारे में बात करेंगे कि जितनी भी रिजर्वेशन के अंतर्गत आपको आयु सीमा में छूट मिलती है वो भी देखेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा ये जानेंगे, सिलेबस क्या होगा और एग्जाम कैसे होगा, जो वेरियस पोस्ट है सबके लिए, तो इन सारी चीजों पर डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आइए शुरू करते हैं और उम्मीद करता हूं कि इसके बाद आपके पास कोई डाउट शेष नहीं बचेगा। फ्रेंड, सबसे पहले बात करें तो यहां पर एक अमेंडमेंट भी लगाया गया है जो कि प्राइमरी में अध्यापक बनने वाले अभ्यर्थियों के लिए है। इसमें जो कहा गया है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बीटीसी वाले तो एलिजिबल है ही है, बीटीसी बीएड वाले, एक नई शर्त यहां पर लगा दी गई है बीएड वालों के लिए, और बीएड वाले भी प्राइमरी में अध्यापक बन सकते हैं। शर्त है कि ग्रेजुएशन में उनका 50% अंक हो और साथ ही साथ यह भी है कि उन्होंने सीटीईटी की परीक्षा क्वालिफाई की हो। हालांकि कुछ कमेंट हमें प्राप्त हुए जिसमें यह कहा जा रहा था कि सीटीईटी की जो परीक्षा थी वो बीएड वाले क्वालिफाई अभी वर्तमान में नहीं कर पाए हैं लेवल वन की, तो उनके लिए क्या, तो इनके लिए आपको डायरेक्टली केवीएस से ही बात करनी चाहिए, ठीक है। और एक बात और भी है कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि बीएड वाले अगर चाहें तो प्राइमरी अध्यापक बन सकते हैं और उसके लिए जो सीटीईटी उनके पास C6-8 के लिए है, यानी कि सीटीईटी पेपर 2 अगर वो क्वालिफाई है तो वो आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इसके बारे में कोई भी क्लेरिफिकेशन अभी केवीएस की ओर से नहीं आया है। यानी कि जब तक केवीएस का ऑथेंटिक आंसर नहीं आ जाता है हम इस पर विचार नहीं कर सकते। 2016 में जो विज्ञप्ति जारी हुई थी केंद्रीय विद्यालय संगठन की, उसके अकॉर्डिंग जो एलिजिबिलिटी थी उस पर हम डिस्कस करेंगे, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिल्कुल शुरू से, यानी कि जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसको देख लेते हैं। विज्ञापन संख्या है 14 और इसमें पदों की संख्या तो मैंने आपको बता दिया, एक साथ देखा जाए तो 8,349 पद हैं। 24 अगस्त से वेबसाइट ओपन हो जाएगी kvsangathan.nic.in और रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि होगी 13 सितंबर, ठीक है। प्रिंसिपल के लिए जो पद हैं उनकी संख्या कुल है यहां पर 76, वाइस प्रिंसिपल के लिए पदों की संख्या है 220 और यहां पर पीजीटी के लिए है हिंदी, अंग्रेजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और यहां पर आप देख पा रहे हैं कंप्यूटर साइंस। कुल पदों की संख्या अगर टोटल देखा जाए तो 592 है। अलग अलग अगर आप देखना चाहते हैं अपने विषय के सापेक्ष तो वीडियो को पॉज करके आसानी से आप देख सकते हैं कि आपको कितने पद मिल रहे हैं। कैटेगरी वाइज भी पूरी जानकारी यहां पे दी गई है, जैसे कि अगर आप बात करें मैथ के बारे में तो जनरल को मिल रहे हैं 28 पद, ओबीसी को 16 पद, एससी को 8, एसटी को 5 और टोटल 57, ओएच को मिलेंगे 2 पद। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद आइए देखते हैं हम लोगों ने क्या देखा, पीजीटी देख लिया, अब देखते हैं टीजीटी के बारे में। तो टीजीटी में भी अगर देखा जाए तो कुल पदों की संख्या यहाँ पे टोटल जो है वो है 1900 और जनरल को मिल रहे हैं 938 पद, 520 पद मिल रहे हैं ओबीसी को, 300 पद एससी को और 142 पद मिल रहे हैं एसटी को। इसके अलावा जो ओएच कैंडिडेट हैं, पीएच कैंडिडेट हैं, उनको भी यहाँ पर कुछ पद हैं, तो कैटेगरी वाइज आप इसको देख सकते हैं। उम्र सीमा इसमें 35 साल रखी गई है, उम्र की गणना की जाएगी 30 सितंबर को और हालांकि जो लोग रिजर्वेशन के अंतर्गत आते हैं ओबीसी हैं, महिला हैं, महिलाओं को 10 वर्ष की छूट है, ओबीसी को 3 वर्ष की और एससी एसटी को 5 वर्ष की छूट इसमें दी गई है और जो अलग कैटेगरी के लोग हैं उनको भी छूट दिया गया है। कितनी छूट मिलती है ये मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। इसमें आप भी देख सकते हैं कि आपको विषय के सापेक्ष कितने पोस्ट कितने पद आपको मिल रहे हैं। लाइब्रेरियन के लिए कुल पदों की संख्या है 50 और आप देख सकते हैं प्राइमरी टीचर के लिए पदों की संख्या सबसे अधिक है, कुल पदों की संख्या है 5300 और जनरल को मिल रहे हैं 2672, ओबीसी को 1431,
798 पद हैं एससी को और 399 पद हैं एसटी को। म्यूजिक टीचर प्राइमरी टीचर के लिए कुल पदों की संख्या 201, 101 जनरल और 54 ओबीसी, बाकी आप देख लीजिए। और ये भी आप जान लीजिए कि इसमें जो उम्र की गणना की जाएगी वो की जाएगी 30 सितंबर को। प्राइमरी के लिए 30 वर्ष, टीजीटी के लिए जो है 35 वर्ष, पीजीटी के लिए 40 वर्ष। ये सामान्य की मतलब सामान्य जो लोग हैं उनकी उम्र सीमा है। रिजर्व कैटेगरी के लोग ओबीसी के 3 साल उसमें जोड़ लें, एससी एसटी के 5 साल जोड़ लें और महिलाएं हैं तो 10 साल उसमें ऐड कर सकती हैं। तो ये हो गया पूरा डिटेल। अच्छा हाँ, प्रिंसिपल के बारे में मैंने नहीं बताया, शायद वो मैं आपको बता दूं कि 35 साल से लेकर 50 साल तक प्रिंसिपल, और इसमें जो है वाइस प्रिंसिपल के लिए कितना है 35 साल से 45 साल। एलिजिबिलिटी तो अब मैं आपको आगे डिस्कस करके बता रहा हूँ, ये रही पदों की संख्या। अब देखते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में और पूरी चीजें एकदम डिटेल में, ठीक है। तो आइए देखते हैं पात्रता मानदंड। तो प्राचार्य के लिए जो पात्रता मानदंड है उसमें न्यूनतम सीमा 35 वर्ष, अधिकतम 50 वर्ष, ठीक है। अभी जो विज्ञापन 2016 का है लेकिन पात्रता में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे 2016 के विज्ञापन के अनुसार ही। तो ये तारीखें पुरानी है, इस पर आप ध्यान मत दीजिए, ओके। चलिए अनिवार्य अर्हताएं देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में कम से कम 45% अंकों के साथ स्नातकोत्तर, यानी कि पीजी में 45% अंक होना अनिवार्य है, बीएड होना अनिवार्य है। अनुभव के तौर पर देखिए, 4 अनुभवों में से कोई भी एक अनुभव होना आपका अनिवार्य है, लेकिन कंप्यूटर चलाना आपको आता हो, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे पहले अनुभव की। अगर आप केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी प्राइवेट स्कूल में प्राचार्य या उसके सदृश पद पर काम कर रहे हैं और आपका पे बैंड है 15,600 से 39,100 रुपए और ग्रेड पे है 7600 रुपए आप कार्यरत हैं, तो आप आवेदन कर सकते हैं। ये होगी पहली शर्त। दूसरी शर्त है केंद्र, राज्य सरकार, स्वायत्त संगठनों में 5 वर्ष पीजीटी एवं 2 वर्ष उप प्राचार्य की संयुक्त सेवाओं के साथ पे बैंड 15,600 से 39,100 के साथ ग्रेड पे 5400 में कार्यरत उप प्राचार्य और सहायक शिक्षा अधिकारी के पद पर आप कार्यरत हो तो। और यहां पर है तीसरा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्वास्थ्य संगठनों में 9,300 से 34,800 में ग्रेड पे रुपए 4,800 में कार्यरत पीजीटी या लेक्चरर या समकक्ष पद पर उपयुक्त वर्णित ग्रेड में कम से कम 8 वर्ष की नियमित सेवा आपने दी हो, तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। और टीजीटी के पद पर पे बैंड रुपए 9,300 से 34,800 के साथ ग्रेड पे 4,600 में तथा पीजीटी के पद पर पे बैंड 9,300 से 34,800 के साथ ग्रेड पे 4,800 में 15 वर्षों की संयुक्त नियमित सेवाएं, जिसमें पीजीटी के तौर पे 3 वर्ष की सेवाएं शामिल हो। तो ये हो गया अलग अलग। एक लाइन में बात करें तो आपके पास 15 साल का मतलब अध्यापन का अनुभव होगा, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। वाइस प्रिंसिपल के लिए यहां पर अध्यापन का अनुभव जो है वो मात्र 5 वर्ष रखा गया है, बाकी कंडीशन यहां पे सेम है। और हाँ, यहां पर जो कंडीशन एक लगाई गई है 45% अंकों के साथ पीजी में, तो वाइस प्रिंसिपल के लिए वहां पर ये कंडीशन भी हटा दी गई है, ठीक है। ये हो गया आपका प्रिंसिपल के लिए। अब बात करेंगे पीजीटी के लिए। अच्छा, पीजीटी के लिए जो पद हैं उसमें जो है उम्र सीमा 40 वर्ष रखी गई है, आपको पता है, और आपका विषयों में कम से कम 50% अंक के साथ आपका पीजी होना अनिवार्य है। और पीजी के साथ साथ आपको यह भी बता दें कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएड होना अनिवार्य है। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों की, दोनों माध्यम में आप पढ़ा सकते हो। और यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा कि कंप्यूटर एप्लीकेशन का ज्ञान भी आवश्यक है, लेकिन अगर आपने स्पेशल बीएड किया है तो आप पीजीटी के लिए मान्य नहीं है। कंप्यूटर विज्ञान के लिए अगर पीजीटी के तौर पर आप आवेदन करना चाहते हैं, तो यहां पर आपको बता दें कि अगर आपने बीए या बीटेक किया है कंप्यूटर विज्ञान या आईटी में, तो आप आवेदन कर सकते हैं। यहां पर कंप्यूटर विज्ञान के लिए आवेदन करने के लिए आपको बीएड की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने बीई या बीटेक किया है कंप्यूटर में, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है, या फिर एमएससी कंप्यूटर साइंस से, एमसीए अथवा किसी विश्वविद्यालय से समकक्ष डिग्री आपने प्राप्त की है, या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी कंप्यूटर विज्ञान, बीसीए या समकक्ष और उसी विषय में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है आपके पास, तो यानी कि ये सारी कंडीशन, डो एक से अगर आपके पास बी लेवल का है और किसी विषय में पोस्ट ग्रेजुएट हैं आप, तब भी आप कर सकते हैं। और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय के डो एक से सी लेवल और स्नातक अगर आप हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं।
हालांकि यहां पर बीएड अनिवार्य नहीं है, लेकिन पदोन्नत के लिए बीएड अनिवार्य हो जाएगा। तो ये हो गया पीजीटी इन कंप्यूटर साइंस, ठीक है। अब बात करेंगे टीजीटी के बारे में। तो टीजीटी में जैसा कि आपको पता है कि उम्र सीमा 35 वर्ष, नियमानुसार छूट है, और यहां पर संबंधित विषय में 50% अंकों सहित आपका जो है स्नातक होना चाहिए, और इसके अलावा बीएड होना अनिवार्य है। सीटीईटी 628 वाला पास होना यहां पे अनिवार्य है। अंग्रेजी के लिए तीनों साल में अंग्रेजी होना अनिवार्य है स्नातक में। हिंदी के लिए तीनों सालों में हिंदी का होना अनिवार्य है। अगर आप सोशल साइंस यानी कि एसएसटी में आवेदन करने जा रहे हैं तो इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और सॉरी इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान, इन चारों में से दो का कम्बिनेशन होना चाहिए, जिसमें से इतिहास या भूगोल कंपलसरी है। मतलब एक विषय इतिहास या भूगोल का होना चाहिए, बाकी कोई भी विषय आपका हो, इन चारों में से दो विषयों का कम्बिनेशन आपका होना चाहिए। टीजीटी विज्ञान के लिए बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री होना जरूरी है, आपने स्नातक के तौर पर अध्ययन किया है। टीजीटी संस्कृत के लिए सभी तीन वर्षों में संस्कृत के एक विषय के रूप में आपने अध्यापन किया हो, और गणित के लिए आप देख पा रहे हैं वो तो है ही है, सीटेट पेपर टू उत्तीर्ण होना आवश्यक है, कंप्यूटर एप्लीकेशन का ज्ञान होना जरूरी है। और एक बात और भी कि अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी के पास प्रोफेशन अर्थात बीएड होनी जरूरी है, ठीक है। ये हो गया आपका। अब आगे देखेंगे प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी कि अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत के पद के लिए अभ्यर्थी द्वारा स्नातक के सभी वर्षों में अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत का अध्ययन किया हो तथा स्नातक के सभी वर्षों में अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त किए हों, उन्हें स्नातक में न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ये चीज है, ठीक है। इसके बाद आइए देखते हैं आगे की चीज। प्राथमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक संगीत के लिए, तो प्राथमिक शिक्षक के लिए जैसा कि आपको पता है एलिजिबिलिटी में थोड़ा चेंज हुआ है। हालांकि इसके लिए अगर बात करें तो आपका टीटी 1-5 के लिए बताया जा रहा है, वो मैं नीचे आपको दिखा रहा हूं। आयु सीमा में छूट कितनी मिलेगी, एससी एसटी को 5 वर्ष, ओबीसी को 3 वर्ष, महिलाओं को 10 वर्ष। केंद्रीय विद्यालय संगठन के जो कर्मचारी हैं उनके लिए कोई आयु सीमा नहीं है, और बाकी जो है उसको आप पास करके देख सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी छूट है, जैसे कि निःशक्त महिला है तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को 15 वर्ष है, अन्य पिछड़ा वर्ग को 13 वर्ष है, सामान्य को 10 वर्ष है। तो महिलाओं को तो मतलब सामान्य रूप से ही 10 वर्ष की छूट मिल रही है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी जो नियम है यहाँ पे उसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप बता दें चयन प्रक्रिया के बारे में, तो चयन प्रक्रिया दो स्टेज में होगी। सबसे पहले तो आपका रिटेन होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, और दोनों के आधार पर ही मेरिट बनेगी, तब आपका सिलेक्शन होगा। 85% अंक लिए जाएंगे रिटेन से और 15% अंक लिए जाएंगे साक्षात्कार पे, ठीक है। अगर आप प्राइमरी टीचर म्यूजिक के लिए आवेदन कर रहे हैं तो 60% रिटेन पर, 25% निष्पादन पर और 15% साक्षात्कार पर आपका डिपेंड करेगा सिलेक्शन। परीक्षाएं जो होंगी वो इन इन शहरों में होंगी, इसको आप पास करके देख सकते हैं इसमें आपका शहर आता है या नहीं आता है। ये कुछ शहर और भी हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए परीक्षा योजना, सबसे पहले बात करेंगे प्राचार्य की पद के लिए। तो अगर आप प्राचार्य की पद के लिए आवेदन कर रहे हैं तो इसमें जो परीक्षा योजना है उसको आप देख लीजिए। एक ही पेपर होगा इसमें, लेकिन इसमें कुल मिला के 3 भाग होंगे, पेपर में 3 भाग होंगे। क्या क्या पूछा जाएगा और कितना समय मिलेगा ये देख लीजिए। परीक्षा अवधि आपको होगी, ये देखिए बात हो रही प्राचार्य के लिए, 3 घंटे का पेपर होगा, 3 भाग होंगे। पहले भाग में सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी होगा, 10-10 सवाल होंगे, 10-10 अंक, यानी कि एक प्रश्न 1 अंक का होगा, ठीक है। इसके बाद भाग दो में सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक विषय यानी कि करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके, रीजनिंग, कंप्यूटर साक्षरता और संख्यात्मक अभिक्षमता परीक्षण, ठीक है। तो यहां पर आप देख पाए मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, सब कुछ आपसे इसमें पूछा जाएगा। कुल मिला के 10-10 प्रश्न होंगे हर टॉपिक से, यानी कि कुल मिला के 40 प्रश्न, ठीक है। तीसरे भाग में शैक्षिक होगा, यह कुल अंक होंगे 30, और कैसे होगा यह भी आप देख लीजिए। बाल विकास और शिक्षण से 10 प्रश्न होंगे, शिक्षा और स्कूल संगठन के परिप्रेक्ष्य में 10 प्रश्न, शिक्षण पद्धति से संबंधित 10 प्रश्न। इसमें जो होगा प्रशासन एवं वित्त, कुल अंक होगा 70, CCS, CCA नियम और CCS आयरन नियमावली, मौलिक और पूरक नियमावली,
टीए नियम, एलटीसी नियम, चिकित्सा परिचर्चा नियम, पेंशन नियम एवं न्यू पेंशन नियम, जीएफआर क्रय प्रक्रिया, आयकर एवं सेवाकर से मिला के 70 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। कुल लिखित परीक्षा में प्रश्नों की संख्या होगी 160 और कुल जो मैक्सिमम मार्कों का वो होगा 160। तो ये हो गया आपका प्राचार्य के लिए परीक्षा योजना और क्या क्या उसमें पूछा जाएगा। अब बात करेंगे पीजीटी के लिए। तो पीजीटी में एक रिटन पेपर होगा, इसमें कुल मिला के दो भाग होंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। इसमें आप देखिए भाग एक में सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी के 20-20 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। कुल मिला के जो पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा टोटल, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो दूसरा भाग होगा पेपर का, उसमें समसामयिकी विषय यानी कि करंट अफेयर्स, तर्क संगतता एवं संख्यात्मक योग्यता से संबंधित 20 सवाल, शैक्षिक शिक्षण यानी कि टीचिंग मेथोडोलॉजी से 20 सवाल और आपके विषय से 100 सवाल। इस तरीके से कुल जो यहाँ पे होगा प्रश्न वो होगा 200, मैक्सिमम मार्क 200, समय मिलेगा 3 घंटे का। तो ये हो गया पीजीटी के लिए, ठीक है। अब आइए देखते हैं टीजीटी के लिए। टीजीटी में दो स्तर पर परीक्षा होती है, टीजीटी शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य शिक्षा, कार्य अनुभव, कला शिक्षा के पदों पर। तो टीजीटी में शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा, कार्य अनुभव और कला शिक्षा, खासतौर से ये तीन जो विषय हैं, इन तीन विषयों के लिए जो परीक्षा होगी उसमें कुल मिला के 200 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न? 200, और कुल अंक भी कितना होता है? 200 होता है, ठीक है। पेपर एक ही होगा, दो भाग होंगे। पेपर में जो भाग वन होगा वह होगा पार्ट वन में सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी से 20-20 प्रश्न। इसके अलावा जो भाग दो होगा उसमें करंट अफेयर्स, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी और आपके विषय से संबंधित प्रश्न। समसामयिकी से 30 प्रश्न होंगे, रीजनिंग से 30 प्रश्न होंगे और आपके विषय से 100। मिला जुला के कुल 200 प्रश्न 200 अंक। ये बात हो रही है टीजीटी के तीन विषयों के लिए, शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा के लिए, कार्य अनुभव और कला शिक्षा के लिए, ठीक है। अब बात करेंगे टीजीटी में अगर आप अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, गणित, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान के अभ्यर्थी हैं तो टीजीटी का जो पेपर होगा वो कैसे होगा। एक ही पेपर इसमें भी होना है, समय मिलेगा आपको 2.5 घंटे का, ठीक है। कितना मिलेगा? 2.5 घंटे का। अब ये क्लियर है कि 2.5 घंटे ही मिलेगा आपको, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, गणित, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान के लिए, तो एक पेपर होगा उसमें दो भाग आपको होगा। सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी से 15-15 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, 15-15 अंक के, यानी कि एक प्रश्न एक अंक। माइनस मार्किंग ऑल ओवर किसी में नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा। भाग दो में समसामयिक विषय होते हैं, 40 प्रश्न यानी कि करंट अफेयर से 40 प्रश्न और 40 कुल अंक होंगे। रीजनिंग से आप स्कूल से पूछे जाएंगे 40 प्रश्न और 40 अंक और शैक्षिक शिक्षण से 40 प्रश्न और 40 जो होते हैं अंक होते हैं। यह हो गया आपका किस किस विषय के लिए, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, गणित, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान के लिए जो एग्जाम पैटर्न इसमें होता है। कुल लिखित परीक्षा में 150 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और 150 अंक आपसे, मतलब 150 अंकों की ये परीक्षा होती है, मैक्सिमम मार्क होता है। इसके बाद देखेंगे प्राथमिक शिक्षक संगीत के लिए, ठीक है। प्राथमिक शिक्षक संगीत के लिए तो इसमें जो का प्राथमिक शिक्षा संगीत के लिए कुल अलग अलग लिखित परीक्षा होती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। एक पेपर होगा, इसमें दो भाग होंगे। देखिए सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी और करंट अफेयर से सब में कॉमन है। सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी से 15-15 प्रश्न होंगे, 2.5 घंटे का कुल पेपर होगा। करंट अफेयर 30 प्रश्न होंगे, रीजनिंग के 30 प्रश्न होंगे और विषय से संबंधित 60 प्रश्न यहां पर होते हैं। तो कुल लिखित परीक्षा में 150 प्रश्न होंगे, 150 अंक होंगे, ठीक है। अब इसके बाद फ्रेंड्स आपको बता दें कि जो शुल्क होता है वो पिछली बार जो था वो भी इस बार उतना ही है। प्राचार्य और उपप्राचार्य के लिए 1200 रुपये फीस है। स्नातकोत्तर यानी कि पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए, पीआरटी के लिए 750 रुपये की फीस रखी गई है और छूट भी है एससी एसटी को, ठीक है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। आवेदन साक्षात्कार के समय, दस्तावेजों का सत्यापन करते समय, आयु के समर्थन में स्वप्रमाणित
प्रमाण पत्रों की प्रतियां, योग्यता, अनुभव, जाति, जाति वैधता, नॉन क्रीमी लेयर, शारीरिक अक्षमता इत्यादि जैसा भी लागू होगा, इस संबंध में मूल प्रमाण पत्र दिखाने होते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हो गई और अब क्या शेष बचता है, बाकी तो सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको आपके सारे प्रश्नों का जवाब मिल चुका होगा, और अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपको बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन उपलब्ध करवाऊं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।